नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 186 किलोमीटर लंबी छिंदवाड़ा से नैनपुर मंडला फोर्ट रेल परियोजना के अंतर्गत चोरई से छिंदवाड़ा के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS कल संपन्न हुआ। पूर्व में छिंदवाड़ा से चोरई के 32 किलोमीटर सेक्शन के ट्रैक का CRS पिछले साल ही लिया जा चुका है। इस CRS के होने के बाद चोरई से भूमा सेक्शन, जिसकी लंबाई करीब 52 किलोमीटर के आसपास है, इसको भी मार्च तक बनाने का लक्ष्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने दर्शाया है। छिंदवाड़ा से चोरई के बीच हुए इलेक्ट्रिफिकेशन के CRS में पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने इलेक्ट्रिफिकेशन के CRS के सक्सेसफुल रहने की बात कही है। उनका टारगेट चोरई से सिवनी के बीच ओपन लाइन के काम को पूरा करने के लिए है। मार्च एंड तक इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उसके बाद CRS कराया जाएगा। तत्पश्चात इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। 2015 में पूरे सतपुड़ा नैरोगेज रेलवे सिस्टम, जो नागपुर मंडल के अंतर्गत आता है, उस पर ब्लॉक लिया गया था। वर्तमान में जबलपुर से नागपुर के लिए वाया नरसिंहपुर इटारसी होकर 542 किलोमीटर की दूरी ट्रेनों को तय करना पड़ रही है। 366 किलोमीटर नैनपुर बालाघाट गोंदिया होकर जबलपुर से नागपुर की दूरी है, और नैनपुर बालाघाट कटंगी होकर नागपुर जबलपुर की दूरी 387 किलोमीटर, और नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर करीब 413 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इस ट्रैक के पूरा होने से एक और सेक्शन जबलपुर से नागपुर के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो पूर्व में जबलपुर नैनपुर बालाघाट होकर जो रूट है, उस पर ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है, जिस कारण क्षेत्रवासियों में काफ़ी आक्रोश है। समय समय पर विभिन्न जन आंदोलन एवं ज्ञापन क्षेत्र के निवासियों के द्वारा ट्रेनें शुरू करने संबंधी सौंपे जाते हैं, लेकिन रेलवे विभाग जैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वे लोग जनता के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस सेक्शन की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। उम्मीद की जा रही है कि जो छिंदवाड़ा से नैनपुर का सेक्शन है, इसके पूरा होने के बाद जो गाड़ियां छिंदवाड़ा तक आती हैं, उनको वर्तमान में चोरई तक तो बढ़ाया ही जाएगा, उसके बाद नैनपुर जबलपुर तक भी बढ़ाया जाए, ऐसी क्षेत्रवासियों को उम्मीदें हैं। वर्तमान में भोमा से चोरई के बीच ट्रैक लगभग बिछाया जा चुका है, जिस पर रेलवे की मालगाड़ियां तथा सेक्शन की मशीनें आवागमन कर रही हैं तथा ट्रैक की पैकिंग संबंधी कार्य जारी है। वहीं सिवनी से चोरई की ओर कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। यही सेक्शन सबसे अंत में पूरा किया जा रहा है। काफ़ी देरी के बाद अब जाकर इस सेक्शन के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें जगी हैं। आप सभी का धन्यवाद।